हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वाईफाई पॉइंट पर, जिसमें कि फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो कि खैबर दर्रा से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बैजू बावरा की समाधि कहाँ है? तो फ्रेंड्स, बैजू बावरा की समाधि है चंदेरी में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। तो आप याद रखेंगे बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में है, और चंदेरी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। आपने सुना होगा कि चंदेरी की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध होती हैं, और कभी कभी आपका क्वेश्चन आता है कि चंदेरी की साड़ियाँ कौन से राज्य में बनाई जाती है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में बनाई जाती है। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने। तो याद रखेंगे ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर ने दी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर लीजिए, और आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। और फ्रेंड्स, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका मुख्यालय देखिए यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ पेरिस में है। इस पर मैं एक पूरा वीडियो बना चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, हमारे लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, फॉकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना और ब्रिटेन में। तो याद रखेंगे फॉकलैंड द्वीप को लेकर अर्जेंटीना और ब्रिटेन दो देशों में विवाद है। और फॉकलैंड द्वीप कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, और ये कितने फैला हुआ है, कितना दूर फैला हुआ है? तो ये 12,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शिवाजी के समकालीन मराठा संत का नाम क्या था? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संत तुकाराम। तो याद रखेंगे शिवाजी के समकालीन मराठा संत थे संत तुकाराम, और ये कौन थे? तो ये महाराष्ट्र के एक महान संत और कवि थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है? तो हमारा आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करता है, और इसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। तो कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो याद रखेंगे कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कला शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन। तो फ्रेंड्स, बेंजीन का यूज़ हम कुछ कला शिल्प वगैरह बनाने के लिए करते हैं, जिससे कि एनीमिया और ल्यूकेमिया होता है। एनीमिया क्या है? तो इससे ब्लड की कमी हो जाती है, और ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर होता है। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H6 हमारा बेंजीन का फॉर्मूला होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में की थी। तो याद रखेंगे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के शासनकाल में की थी, और उन्होंने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो याद रखेंगे अवधि भाषा में की थी। ठीक है, और अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि किसने रामायण की रचना की थी, तो याद रखेंगे वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अकबर की बात आई है, तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासन था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 सितंबर को। तो याद रखेंगे हर साल दुनिया भर में 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा, ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब ने। तो याद रखेंगे औरंगजेब एक मुगल शासक था जिसने संगीत और नृत्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था।
नेक्स्ट है, ठुमरी तथा टप्पा गायकी किस घराने से संबंधित है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ घराना। तो याद रखेंगे ठुमरी तथा टप्पा गायकी लखनऊ घराना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभास जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? तो हमारा आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, मलखंब में। तो याद रखेंगे प्रभास जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में मलखंब के खेल में दिया जाता है। और फ्रेंड्स मलखंब जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा ने की थी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। तो याद रखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी 8वीं शताब्दी में। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक तारे का रंग निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठीय ताप पर। तो याद रखेंगे एक तारे का रंग हमेशा उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। जब हम यहाँ से एक किसी तारे को देखते हैं तो सभी का रंग एक ही मालूम पड़ता है, लेकिन असलियत में उन सभी तारों का रंग अलग अलग होता है जो कि उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी कैवेंडिस ने। तो याद रखेंगे हेनरी कैवेंडिस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। और हाइड्रोजन हमारे आवर्त सारणी का पहला तत्व है। और वहीं आवारा तत्व किसे कहते हैं, कभी कभी आपसे क्वेश्चन आता है कि आवारा तत्व किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन को आवारा तत्व ही कहा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं कार्ल सीले की, तो उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। वहीं सैमुअल हैनीमैन ने होम्योपैथी का जनक इन्हें कहा जाता है। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, जिन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सूर्य के चमकीले भाग को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसे हम प्रकाश मंडल भी कहते हैं। और इसका तापमान किसका कितना होता है? तो इसका तापमान होता है 6000 सेंटीग्रेड। तो इसे भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखेंगे भारत को राष्ट्रपति को उसके पद के लिए शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और राष्ट्रपति के शपथ के बारे में हमारे अनुच्छेद 60 में चर्चा की गई है। फ्रेंड्स मैं राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद के बारे में एक वीडियो बना चुकी हूँ ट्रिक के साथ, उसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में जरूर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NSSO। और NSSO का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। तो इस सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी कुछ आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, धरती रक्षा कोष की स्थापना किस हेतु की गई थी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण हेतु। तो आप याद रखेंगे धरती रक्षा कोष की स्थापना पर्यावरण संरक्षण हेतु की गई थी। नेक्स्ट है, चेरापूंजी अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य में। तो याद रखेंगे चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वह मेघालय के मानसिनराम में होती है। और मानसिनराम के बाद दूसरा स्थान आता है चेरापूंजी का, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तना या स्टेम। तो याद रखेंगे पौधे के तना भाग से हल्दी प्राप्त होती है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि हल्दी का साइंटिफिक नाम क्या है, तो याद रखेंगे क्रकोमा लोंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।